नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आज मैं आप लोगों को भैंसा का मोड़ बना के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कितना ढेर सारा मैं भैंसा का मोड़ बनाया हुआ हूं, जो राक्षस मूर्ति में लगता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये देखिए, एक ये बड़ा मैंने बना दिया, इससे भी थोड़ा सा हटकर एक बड़ा ये मैंने बना दिया हूँ, और देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक यूनिक एक हटकर भैंसा का सर ही लगाना है, तो थोड़ा सा मैं इसमें काफ़ी बड़ा कर दिया हूँ। सोचा कि अब की बार देखता हूँ कैसा लगता है, और अच्छा भी लगता है। आप लोग बताइएगा कि कैसे बना है और आप लोगों को कैसे लगा। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं, हम आपको एक अच्छे विस्तार से बना के दिखाते हैं। जैसा कि ये मेरा मूर्ति है, तो दोस्तों इसी मूर्ति में मैं ये एक भैंसा का मूड है। अभी पुआल से कैसे बांधे नहीं पता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो इसमें मैं मिट्टी अब लगाऊंगा, कैसे क्या बनाया जाता है। तो सबसे पहले भूसा मिट्टी से आप लोग बनाएंगे। भूसा मिट्टी से क्या होता है कि लास्ट में फटता नहीं, चिकना पूरा प्योर मिट्टी से काम करेंगे तो ये चटक जाएगा। भूसा मिक्स हुई मिट्टी में से लगाएंगे तो सही रहेगा। सिर्फ इसमें प्योर मिट्टी थोड़ा आँख बना देना है बस, बाकी और सारा कुछ भूसा मिट्टी का रहेगा। फिर बाद में लास्ट में आप फिनिशिंग मिट्टी लगा के पेंटिंग कर दीजिएगा। तो ये भूसा मिट्टी से मैं कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ। जैसा इनके सींग के पास होता है, सींग के दोनों बीच में थोड़ा सा चौड़ा माथा बनाना होता है, और साइड साइड जो सींग का फेस के साइड साइड होता है वो थोड़ा सा वहाँ से चौड़ा रहेगा, आगे आते आते कम हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जैसा मैं बना रहा हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट करके रखा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और वीडियो को ना छोड़ें। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, बीच में मत छोड़िएगा। तो दोस्तों नीचे थोड़ा सा इसका जो जबड़ा होता है थोड़ा सा हल्का डाउन होने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आप देख लीजिए। बाकी दोस्तों मैं इस तरह का जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं, जैसे कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचाया है तो उसको मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैं एक वीडियो बना के डाल चुका हूं इसका, शायद पिछले बार, तो मैंने सोचा कि आपको एक बड़ा छोटा जैसे भैंसा आकार का बनाया जाता है उस आकार में दिखा देता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बना लीजिएगा, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं हर वो कमेंट का जवाब देता रहता हूँ। आप लोग देखिएगा जहाँ पे आप लोग कमेंट करेंगे उसी के नीचे रिअप्लाई रहेगा, आप लोग क्लिक करेंगे तो मेरा जवाब मिलेगा आप लोगों को। बाकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी समस्या हो, जानकारी लेना है। बाकी दोस्तों जैसा कि ये बना दिया ऊपर मत्था चौड़ा, उसके बाद मैं यहाँ नीचे आँख बनाऊंगा, जो थोड़ा सा कट बना दिया हूँ उसी के पास। तो पहले इसको थोड़ा सा फिनिश कर लेता हूँ। ये कहीं मान लीजिए थोड़ा इस तरह भूसा मिट्टी अगर आप लोग लगाते हैं तो उसका लगाने के बाद थोड़ी देर एक आध दो घंटे छोड़ दीजिएगा, तो थोड़ा सा पानी लगा के बाद में सफाई करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा सफा हो जाता है, तुरंत नहीं होता है। बाकी एक कलम लेंगे जैसा कि बांस का फट्टी की बनाया हुआ, तो कुछ इस तरह इसमें कट दे देंगे, जैसा कि ये सींग का कट दे देंगे, जैसा कि बड़ा कटिंग काट रहे हैं या तो भूसा मिट्टी से काम कर रहे हैं तो इस तरह फट्टी आपको लेना चाहिए, जो कि कहीं कहीं कटिंग आ जाती है। दो दो जैसे सींग और शेर का पैर मेरा जुड़ा है तो इसके बीच में कट करने की ज़रूरत हो जाती है। ये ऊपर बाल बन गया है जो मत्था चौड़ा होता है भैंस का। और दोस्तों यहाँ हम थोड़ा सा जीभ लगा देंगे निकाल के, ये मेरा कट कर दिया हूँ, अलग हो गया है जो कि ज्वाइन नहीं रहेगा इसके माध्यम से।
तो यहाँ आँख बना देंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा गोला टाइप बना के इधर भी बना देंगे वैसे ही, और इसमें पलक बना देंगे। ये सिंपल सा दोस्तों आँख बनाने का तरीका। ये आँख मेरा कंप्लीट, ये समझ लीजिए बन गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम अपना वो औजार जो है बांस का पत्ती, उससे थोड़ा सा हम कट करके जो कि इसमें क्लियर कर देंगे आपको, जैसे कि ये दो कटिंग करेंगे, जैसे कि ऊपर नीचे दोस्तों, जैसे कि दो बार ऊपर कट करेंगे, एक दो, तो इस तरह नीचे भी एक दो कट कर देंगे। इस तरह क्या है, भैंस का जैसा आँख होता है वैसे दिखने लगता है, जो कि भैंस में आप देखोगे रियल में तो ऐसा होता है। जब अगर आप भैंस देखकर बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, आप बना सकते हैं। किसी को समझ में नहीं आएगा भैंस को देखकर, शायद मिट्टी में समझ आए, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। जैसा ये मिट्टी का, प्योर मिट्टी का पतली नस बना रहा हूँ, जो कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, लास्ट में एक फिनिशिंग मिट्टी लगाने के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का दिखने लगेगा, तो इसलिए इसको अलग से हम लगा रहे हैं, जो कि रियल में टाइप जैसा नस होता है वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे बना देंगे और सेम इधर भी इसी तरह बना देंगे जैसे इधर बनाए हैं। तो ऐसे भैंस का सर बनाते हैं। और दोस्तों जैसा कि ये पैरा है, जो कि इसमें मिट्टी मिक्स है, और फिर इसके ऊपर में थोड़ा सा भूसा मिट्टी लगा दिया हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे लगाने से कान बना देंगे ताकि ये टूटे ना, इसलिए पैरा इसमें यूज किया जा रहा है, लंबा है पतला कान रहता है। प्योर मिट्टी लगाएंगे तो टूट जाएगा, भूसा मिट्टी से भी फट जाएगा, तो सेम इधर भी इसी तरह लगा लेंगे दोस्तों दोनों तरफ ऐसे। तो ऐसे बनाने के बाद उधर भी इसी तरह लगा देंगे दोस्तों। फाइनली ये मेरा भैंस का सर बन गया है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। और जो कि आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसका हर कमेंट का जवाब देता हूं। अगर आप जहां से कमेंट करेंगे जिस वीडियो से, उसके नीचे देखेंगे तो ब्लू कलर से अप्लाई रहेगा उसी के नीचे, तो उस अप्लाई में क्लिक करेंगे तो मेरा जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये एक सीधा सर बनाया हूँ, जो कि उसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, तो हर एंगल में भैंस का सर बनाता हूँ। और आप लोग राक्षस का बॉडी बनाते हुए नहीं देखा है तो मैंने इसका वीडियो पहले से बना रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।